हमने एकदम म्यूनीज तैयार कर कर करी हुई है मार्केट स्टाइल, और इस तरह से डिब्बे में स्टोर कर कर आप फ्रिज में रखें तो 15 से 20 दिन आराम से ये रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं 15 से 20 दिन। तो चलिए बनाना सीखते हैं म्यूनीज। आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हमने एक स्पून लिया हुआ है सिरका, एक कटोरी दूध, एक बड़ा चम्मच चीनी, और ये सॉल्ट 4 से 5 पिंच सिर्फ चाहिए हमको सॉल्ट। तो आज गाइज हम बनाने जा रहे हैं म्यूनीज। देखिए पहले पिछली वीडियो में हमने अब आपको मलाई से म्यूनीज बनाना बताया था, बट उस म्यूनीज में हो सकता है आप लोगों को टाइम लगे बनाने में, क्योंकि वो उसको ज्यादा अगर आप फेंट देंगे तो उसमें मक्खन निकल आएगा, कम फेंटेंगे तो वो अच्छा नहीं बनेगा, उसको अच्छे से फेंटना होता है। तो चलिए आज के लिए हम ये लाए हैं रेसिपी जो मार्केट स्टाइल बिल्कुल म्यूनीज मिलती है, जिसमें कुछ भी झंझट नहीं है, बहुत स्टाइल बहुत आराम से बहुत टाइमली बना लोगे आप। तो चलिए आज हम ये अपनी बनाएंगे रिफाइंड ऑयल से, तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनानी है। तो लेते हैं एक मिक्सी का जार, ये देख सकते हैं गाइस, और ये देखें एक कटोरी ये दूध जो कि इसमें हम ऐड करेंगे, ये 2 से 3 पिंच नमक, हमारा विनेगर 1 स्पून, ये चीनी। अब चलिए ऑयल देख लेते हैं, ये देख सकते हैं गाइस हमने लिया है रिफाइंड ऑयल, तो इसको हम इसमें यूज करेंगे। एक बात और गाइस, इसमें हमें जितना दूध है उसी का डबल रिफाइंड ऑयल लगेगा, बट हम अभी इसमें आधा डालेंगे आधा फेंटने के बाद। तो ये देख सकते हैं गाइस इसको हम क्या करेंगे अपने मिक्सी चलाते हुए फेंट लेंगे, ये देख लेते हैं गाइस, बीच बीच में हम रुक कर इसको हम देखते भी जाएंगे। ये देखिए सफेद होने लगा है हमारा, तो इसको हम फिर फेंटेंगे। ये देख सकते हैं गाइस हमारा ये गाढ़ा होने लगा है, बट अभी ये बहुत ज्यादा लिक्विड फॉर्म में है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा फिट चुका है तो इसमें अभी ऑयल की और जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो इसमें हम ऑयल और डालेंगे। ये देखिएगा उतना ही रिफाइंड ऑयल और ले लिया है और इसमें हम ऐड कर देंगे, ठीक है। ये देखिए फिर से इसको चला लेंगे, ये देखिए गाइस हमारा बन चुका है, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना बढ़िया बना हुआ है। तो थोड़ा सा और फेंट लेते हैं इसको ताकि एकदम क्रीमी टेक्सचर हो जाए, फिर मिलते हैं आके। ये देखिए गाइस हमारा बनकर एकदम रेडी है, कितना एकदम कितना अच्छा और कितना यम्मी। तो इसको चलिए सर्व करते हैं, अपना किसी बाउल में भर कर इसे रखेंगे, लेकिन गाइस याद रहे कि दूध बिल्कुल ठंडा और चिल्ड होना चाहिए, तब अच्छा बनेगा ये। तो चलिए इसको निकालते हैं। ये रही गाइस हमारी आज की रेसिपी, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है इसको बनाने में, कितना प्यारा स्मूथली बनकर रेडी हुआ है हमारा म्यूनीज, जिसको हम सैंडविचेज में लगाकर यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज की हमारी ये रेसिपी अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, बाय बाय।